ओम शांति। एक सन्यासी सारे विश्व की यात्रा कर पुनः भारत लौटा और भारत के किसी एक राज्य में रुका मेहमान होकर। वहां का राजा उससे मिलने आया और राजा ने कहा, मेरा एक प्रश्न है, क्या तुम उत्तर दे पाओगे? सन्यासी ने कहा, पूछो। राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। सन्यासी ने पूछा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर से? राजा ने कहा, शायद तुम गलत समझ रहे हो, मैं ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति से नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा से मिलना चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं, अभी मिलना चाहते हो या फिर थोड़ी देर के बाद? राजा ने कहा, मैं 20 वर्ष से खोज कर रहा हूं और मुझे मिलना है, मुझे ईश्वर कौन है और क्या है ये समझाने का प्रयत्न कृपया न करना, मुझे सीधा मिलना है क्योंकि ये समझाने वाले बहुत हैं। तो सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें मिला सकता हूं। राजा ने कहा, अभी मिलना है। सन्यासी ने कहा कि तुम अपना नाम, अपना पता, अपनी उपाधियां एक कागज पर लिख दो, क्योंकि मुझे भी तो उधर बताना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा तो काम ही ये है लोगों को भगवान से मिलाना, पर जिसको मिलाने जा रहा हूं उसका नाम पता भी तो चाहिए। तो राजा अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपनी उपाधियां सब कुछ लिख कर देता है। सन्यासी कहता है, ये सब तुमने झूठ लिखा है। वो कहता है, नहीं, ये सत्य है। सबसे पहले तो तुम्हारा नाम। सन्यासी पूछता है, यदि तुम्हारा नाम बदल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? वो कहता है, नहीं, और नाम बदलने से भाग्य तो नहीं बदलता, इसका मतलब तुम ये नाम नहीं, इसका मतलब तुम ये शरीर नहीं। वो कहता है, हां, बात तो सही है। दूसरा वो लिखता है, मैं राजा हूं, आज तुम राजा हो, कल राजा नहीं रहोगे, तो क्या तुम बदल जाओगे? वो कहता है, नहीं, इसका मतलब तुम राजा भी नहीं, ये तुम्हारे राज्य का नाम, आज राजा हो, कल कुछ भी नहीं होंगे, ये राज्य नहीं होगा, तो क्या तुम बदल जाओगे? इसका मतलब ये राजा भी तुम नहीं और राज्य भी तुम्हारा नहीं। सन्यासी पूछता है, आपकी उम्र कितनी है? वो कहता है, 40 वर्ष। तो क्या 10 वर्ष पहले जो तुम थे और 10 वर्ष बाद तुम होंगे, तब तुम बदल जाओगे? राजा कहते हैं, नहीं, मैं तब भी वही रहूंगा। इसका मतलब तुम नाम नहीं, तुम राजा नहीं, ये राज्य तुम्हारा नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये उम्र भी तुम्हारी नहीं। पहले तो ये लिखो कि तुम क्या हो, तब मैं जाकर भगवान से तुम्हारा मिलन कराऊंगा, नहीं तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। अगर तुम ऐसे झूठ बांटते लिखोगे और वही मैं भगवान को बताऊंगा। तो राजा कहता है, मुंझ जाता है, यही तो पता नहीं,
तो मैं हूं कौन? सन्यासी कहता है, जाओ पहले ढूंढो तुम कौन हो। जिस दिन तुम ये जान जाओगे तुम कौन हो, भगवान कौन है, ये स्वतः पता चल जाएगा। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम कौन हो, भगवान से मिलन स्वतः हो जाएगा। पता नहीं वो राजा स्वयं को जान पाया या नहीं, पता नहीं उसे अपनी पहचान मिल पाई या नहीं, पर जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान जाएगा, स्वयं के वास्तविक परिचय को, स्वयं के स्वभाव को, स्वयं के मैं को, और उसी समान में स्थित हो जाएगा, तब भगवान से मिलन स्वतः हो जाएगा। जिसे हम जान रहे वो शायद मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। तो आज की सुबह की मुरली, मैं कौन, तुम कौन और वो कौन, ये जब तुम जानोगे अभी नहीं बाद में जानोगे, जब दर्द बहुत बढ़ेगा, दुनिया वाले लोग आकर तुमको बताएंगे तुम कौन और वो कौन, तब तुम अपने महत्व को जानोगे, अपनी श्रेष्ठता को जानोगे। अभी तो साधारणता में हो और अभी अलबेलेपन में हो, इसलिए अपनी वैल्यू और अपने दिए गए खजाने की वैल्यू, मिले हुए खजाने की वैल्यू को कम जानते हो। तो आज हम दो मुरलियां रिवाइज करेंगे, एक तो नीचे जो चली 12 तारीख 31 अक्टूबर 2006 की अव्यक्त वाणी, और एक आज की अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 1984। अंतर बहुत है दो मुरलियों में। तो आज क्या कहा बाबा ने, क्या कहा? कौन किससे मिलने आया है? स्नेह का सागर स्नेह स्वरूप बच्चों से मिलने आया है, प्यार का सागर प्यार के प्रभु प्यार के पात्र बच्चों से मिलने आया है। कभी इधर तो कभी उधर, कौन सी बातें किस मुरली की है वो मन में खुद ही ढूंढना। तो प्रेम का सागर परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आया है, स्नेह का सागर किसने मिलने आया है आज, स्नेह स्वरूप बच्चों से मिलने आया है। तुम यहां कैसे आकर पहुंचे हो? स्नेह के विमान में, स्नेह चुंबक है, स्नेह विमान है, स्नेह की खींच है। दुनिया के लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान ने तुमको ढूंढ लिया। वो गायन कर रहे हैं और तुम गोद में बैठे हो, वो आओ आओ कह रहे हैं और तुम ही से बैठो खाओ खेलो। वो दर्शन की प्यासी आत्माएं हैं और तुम दर्शनीय मूर्त बन गए हो। अब थोड़ा दर्द और बढ़ने दो तो क्या हो जाएगा, वो भाग भाग के आएंगे। किसके लिए? एक सेकंड की दृष्टि और एक सेकंड के दर्शन के लिए। साक्षात साक्षात्कार स्वरूप बन जाओगे, दर्शनीय मूर्त बन जाओगे, तब जानोगे अपने महत्व को, खजाने के महत्व को, एक एक महावाक्य के महत्व को, एक एक श्वास ब्राह्मण जीवन का, एक एक सेकंड के महत्व को। तो आंख खुलते ही बिस्तर के बाजू में क्या देखना है? स्नेह का विमान खड़ा है। क्या देखना है? अमृत वेला
आंख खुली और स्नेह का विमान एक तरफ और दूसरी तरफ सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी? दुआओं की सीढ़ी। बटन दबाओ स्मृति का और तीनों लोक की सैर। दुआएं सीढ़ी का काम करती है। स्नेह की निशानी ही है कि तुम दौड़ दौड़ कर आए हो। स्नेह कितना है? कौन सा गीत? ना आसमान में तारे और ना ही सागर में जल, इतना इतना बेहद का प्यार, इतना बेहद का स्नेह। तो स्नेह क्या है? रूहानी चुंबक। तो सुबह सुबह देखना कि दूर रूहानी चुंबक, परम चुंबक है और मुझे क्या कर रहा है? खींच रहा है। बिस्तर नीचे और मैं ऊपर खींचकर। तो स्नेह के विमान में बैठना, स्मृति का स्विच ऑन करना, तीनों लोकों की सैर करना। किस में आए हो? साधारण विमान में नहीं, स्नेह के विमान में आए हो। इस स्नेह ने तुम्हें परमात्मा स्नेही बना दिया है। इस स्नेह से याद सहज है, इस स्नेह से योग सहज है। ये स्नेह के चार घटक है। कौन से? ऐसा निस्वार्थ स्नेह और कहीं नहीं। आज कहा सच्ची आत्मिक। कैसी शांति? अविनाशी शांति। ये स्नेह कैसा है? अविनाशी स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह, दिल का स्नेह है, सच्चा स्नेह है, ऊपर ऊपर का नहीं है। ये परमात्मा स्नेह की विशेषता है। इस स्नेह से खिंच खिंच कर आ गए हो, पर उसमें एक एडिशन करनी है और उसमें अंडरलाइन करनी है। कौन सी? अखंड महादानी बनो और अखंड सहयोगी बनो। इस परिवार में सहयोगी और संसार की प्यासी आत्माएं, तड़पती आत्माएं जो पुकार रही है, हे कृपा के देव, हे कृपा की देवी, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, क्या देव, क्या दे दो? सच्ची। आज तो कहा शांति और खुशी, और उस दिन कहा था प्यार और शक्ति। उन्हें दो, क्योंकि प्यासी है, क्योंकि अतृप्त है, क्योंकि अतृप्ति की प्यासी है। और तुम प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो, तुमने पा लिया है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसे पुण्यात्मा बने हो। अशांत मन को शांत कर देना, स्थिर कर देना चित्त को, ये हमारा कार्य है। जब ये करोगे तब डबल फायदे होंगे। कौन से? उनका भी कल्याण होगा और तुम्हारे अपने विघ्न समस्या से तुम मुक्त हो जाओगे, मेहनत से मुक्त हो जाओगे। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, जो ब्राह्मण अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण कर देते हैं वो अपने अधिकार को ज्यादा याद रखते हैं, दायित्व को कम। अधिकार बहुत याद रहते हैं कि ये मेरे राइट्स है, मुझे मिलने चाहिए, परंतु दायित्व को कम याद रखते हैं। तीन समान दिए बाबा ने और ड्रिल कराई थी। कौन से वो समान थे? ऊंचे समान। मैं कैसा सन्नाटा छा गया था जब बाबा ने ड्रिल कराई। भगवान स्वयं आकर समान दे रहा है, भगवान स्वयं आकर कह रहा है कि तुम फरमान बरदार, वफादार, तुम आज्ञाकारी और तुम अमूल्य रतन हो। कौन से अमूल्य रतन? बाप के गले में जो माला है उस माला के अमूल्य रतन, ऐसे विजयी रतन तुम हो। ऐसे समान में रहते हो, ऐसे समान याद है कि तुम हो कौन? भगवान कह रहा है तुम ओबीडियंट आज्ञाकारी, तुम फेथफुल वफादार, जो वफा करते हैं, जो फरमान बरदार ट्रस्ट वर्दी, और तुम वो अमूल्य इनवैल्यूएबल ज्वेल्स,
तुम हो। तो तीन समान दिए थे और ड्रिल कराई थी, कौन से समान थे तीन? मैं, संगम योगी, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। केवल इतना भी याद रहे तो स्थिति ऊंची रहेगी। स्थिति का आधार संकल्प है। जब संकल्प मलिन होते हैं तब स्थिति गिरती है। जब संकल्पों में देहभान आता है तब स्थिति गिरती है। जब संकल्पों में आत्मस्मृति नहीं रहती तब आत्मा गिरती है। एक छोटा सा बच्चा अपने घुटनों पर रेंगता हुआ देखता है सूरज की किरणों में उसकी परछाई को, अद्भुत आश्चर्य होता है उसे, ये कौन है? और सोचता है इसको पकड़ू, उसके मस्तक को पकड़ू और भागता है, पर पकड़ नहीं पाता है, रोने लगता है, क्योंकि जितना पकड़ने का प्रयत्न करता है फासला और बढ़ता है, जितना और आगे जाता है वो परछाई आगे जाती है, रोने लगता है क्या करूं। एक भिक्षु द्वार पर आता है और वो देखता है छोटा सा बच्चा और रो रहा है और अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है अपने मस्तक को। सन्यासी आता है, उसका हाथ उठाता है और उसी के मस्तक पर रख देता है और परछाई पकड़ में आती है। स्वयं की ही आत्मा पर हाथ रख दो। परछाई शरीर है जिसके पीछे चेतना भाग रही है और परछाई के पीछे भागना अर्थात आत्मनाश, परछाई के पीछे भागना अर्थात आत्मविनाश, परछाई को सत्य समझ लेना अर्थात आत्मा का हनन। हाथ मस्तक पर रख देना, आत्मा पर रख देना, नहीं तो अंतरात्मा एक तरफ अध्यात्म की ऊंचाइयों पर चढ़ती है तो दूसरी तरफ देहभान की घाटियों में भी गिरती है नीचे। इसलिए देहभान की इस घाटी में उसे गिरने नहीं देना। तो बाबा ने याद दिलाए समान, पहला समान तुम ब्राह्मण हो, दूसरा समान कौन से ड्रिल कराई बाबा ने? मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट। तीसरा समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। क्या करना है मनसा से? शक्तियों की किरणें फैलानी है। ये तीन समान, ये तीन अभ्यास, ये तीन ड्रिल जिससे तुम क्या बन जाओगे, क्या आ जाएगी? कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आएगी, स्वयं पर शासन, स्वयं पर आधिपत्य, स्वयं के राजा तुम स्वयं बन जाओगे। तो क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? स्नेह का सागर स्नेह स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। तुम उस बाप को याद करते हो और बाप रिटर्न में क्या करते हैं? पदम गुना क्या करते हैं? रिटर्न में पदम गुना रिटर्न देते हैं तुमको, नीचे आकर तुमसे मिलने। और एक कमाल कर दी तुमने जबरदस्त, वो कौन सी? बाप तुमको अशरीरी और निराकार बनाते हैं आप समान, पर तुम क्या करते हो उसकी पूरी चाल को तुम क्या कर देते हो? परास्त कर देते हो। वो आया है निराकार बनाने और अशरीरी बनाने, पर उसके खेल को उसका पाता ही पलट देते हो तुम। तुम उल्टा काम कर देते हो, वो कौन सा? तुम उसी को, वो जो निराकार है उसको क्या कर देते हो? आकारी और निराकारी को साकार आप समान बना देते हो। ये है बच्चों की कमाल। बाप ऐसी कमाल देखकर हर्षित होते हैं, कैसे बच्चे बाप के रंग में रंग कर क्या कर रहे हैं? बाप समान फॉलो फादर कर रहे हैं। तो उसकी चाल उल्टी पड़ गई। संसार की आत्मा है, तुम्हें नशा और खुशी रहनी चाहिए कि दुनिया वाले उसको ढूंढ रहे और उसने तुमको ढूंढ लिया।
ऐसे सारे अपने समान याद रहते हैं? बाबा ने पूछा है प्रश्न। समान संपूर्ण योग है, समान आत्मा का नशा है, समान दो चीजों को नष्ट कर देता है। कौन सी दो चीजें? अभिमान और अपमान। जो समान में है उनका कोई अपमान नहीं कर सकते, जो समान में है उन्हें अभिमान भी नहीं आ सकता, क्योंकि समान शुद्ध नशा है, मौलिक नशा, ओरिजिनल स्टेज है आत्मा की। तो समान में स्थित रहना और जो साधारणता है उसे समाप्त करना, और जो अलबेलापन आ गया है उसे समाप्त करना, क्योंकि ये साधारणता है, ये अलबेलापन है, इसलिए अपने महत्व को नहीं जान पा रहे। स्वयं स्वयं के महत्व को जानना, स्वयं स्वयं को मान देना, अर्थात समान, किसी और के मान की आवश्यकता नहीं, स्वयं स्वयं को मान देना है, स्वयं स्वयं को जानना, अपनी महानता को जानना, अपनी श्रेष्ठता, अपनी विशेषता को जानना, एक एक महावाक्यों के महत्व को जानना। क्या कहा बाबा ने? एक एक महावाक्य का महत्व है, एक एक श्वास का महत्व है, एक एक संकल्प का महत्व है, जन जन की प्रारब्ध बनाने का आधार है। तो ये याद रहता है, याद स्वरूप हो, जो याद स्वरूप है वो कभी कुछ भूलते नहीं। एम्बॉडीमेंट ऑफ अवेयरनेस, निरंतर अवेयर है, निरंतर स्मृति स्वरूप है, निरंतर अपने आप को याद दिलाते रहना, मैं कौन हूं, मेरा स्वधर्म स्वरूप स्वलक्ष्य क्या है। वो जो भक्ति मार्ग के सत्संग है, बाबा हमेशा कहते हैं उनका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, निर्लक्ष्य है वो, तुम्हारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य को नहीं भूलना। तो समान का अभ्यास, तीन समान बाबा ने दिए, उन तीन समान का अगले 15 दिन तक अभ्यास करना है। मैं संगम योगी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ब्राह्मणात्मा हूं, पुरुषोत्तम हूं अर्थात पुरुषों में उत्तम, संगम योगी अर्थात संसार के कलयुगी, मैं वो नहीं, मैं अलग, मैं श्रेष्ठ, मैं छोटा नहीं, नीच नहीं, मैं फरिश्ता जिसका देह से कोई संबंध नहीं, जो देहभान में नहीं। तीसरा, मुझे क्या करना है? विश्व का कल्याण। एक ही संकल्प हो, हर संकल्प और हर श्वास, हर सेकंड किसके लिए? विश्व कल्याण प्रति। क्योंकि महान कार्य करने हैं, 5 काम करने हैं, कौन कौन से? मनसा से शक्तियां फैलानी है, आत्माएं बहुत कमजोर है, बल नहीं है उनमें, निर्बल को शक्तिशाली बनाओ, दुखी को सुखी बनाओ, अशांत को शांत, तुम शांति का समागम करो, शांति का शिविर करो, शांति की एडवर्टाइजमेंट करो, और क्या करो, शांति का सप्ताह, क्योंकि तुम शांति कुंड में आए हो, तुम स्वयं शांत स्वरूप, स्वयं को पावरफुल बनाओ, अपनी वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, पावरफुल स्वयं बनो, अटेंशन और बैलेंस, तो बड़े बड़े काम करने हैं। तो सबसे पहली चीज, 3 समान का अभ्यास, दूसरी चीज स्नेह के विमान में बैठने का अभ्यास। स्नेह विमान है तो आंख खुलते ही देखना विमान खड़ा हुआ है, पायलट बैठा हुआ है, हॉर्न बजा रहा है, अलार्म बजा रहा है, बिगुल बजा रहा है, रणभेरी बज रही है, कॉल ऑफ टाइम, जल्दी उठो क्योंकि टाइम हो रहा है, फटाफट बोर्ड करो और उड़ो। तो उठते ही सबसे पहले देखना एक विशाल शुभ्र
बड़ा सजा सजाया सा विमान खड़ा है और बाप दादा पायलट बनकर हमारी वेट कर रहे, बस लास्ट पैसेंजर आप ही हो, बाकी सब बैठ चुके हैं और उड़ो तीनों लोकों की सैर। दूसरा अभ्यास करना है वो महाचुंबक है, खींच रहा है खींच रहा है, और उसके प्यार में मगन हो जाना। प्रेम फाउंडेशन है, बाबा ने कहा इस जीवन का, ब्राह्मण जीवन का क्या है, फाउंडेशन है। इस प्रेम ने ही तुम्हें परमात्मा स्नेही बना दिया, तो उस प्रेम का चिंतन करना। कैसा संसार का प्रेम स्वार्थी है, झूठा है, दिमागी है, धोखे वाला है, स्वार्थी है, और ये परमात्मा प्रेम। और विमान आया है, बैठो और उड़ो इस प्रेम के विमान में। तो ये कुछ अभ्यास करने हैं। पांच प्रकार के अनुभव करने को बाबा ने कहा, अनुभव कराने के लिए कहा। कौन से अनुभव कराना है? नवीनता क्या लाओगे सेवाओं में? आत्माओं को अनुभव कराना है, क्योंकि अनुभव आगे बढ़ाता है, अनुभव भूलता नहीं और वो खींचता है। स्वयं भी अनुभव करना है और दूसरों को भी अनुभव कराना है, पर अनुभव करा वो सकते हैं जो स्वयं अनुभवी मूर्त है। शांति वो दे सकते हैं दूसरों को जो स्वयं शांत स्वरूप है। तुम शांति कुंड में आए हो तो कितना शांत होने चाहिए, कहना आज ये शांति कुंड है। सच्ची शांति का अनुभव, तो पांच प्रकार के अनुभव आत्माओं को कराने हैं और स्वयं भी करने हैं। सबसे पहला अनुभव एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव, जो मुरलियां सुनते हो महावाक्य है, एक एक साधारण शब्द नहीं है, भगवान के कहे हुए शब्द है। 5000 साल में पहली बार भगवान के शब्द कानों में पड़ते हैं। परमात्मा वेद सुनाई देता है, परमात्मा गॉस्पेल, परमात्मा बाइबल, वो गुंजन वो ध्वनि ईश्वरीय है, अव्यक्त है, अनहद अनाद है। तो साधारण से नहीं ले लेना, साधारणता है खजानों को समझने में, साधारणता है स्वयं के महत्व को समझने में। तो भगवान के एक एक वाक्य का क्या करना है, अनुभव करना है। जैसे ही मुरली पढ़ो, प्रेम का सागर आया है, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ो, धीरे धीरे। कौन आया है, किससे मिलने आए? प्रेम स्वरूप बच्चों से, परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से। क्या मैं पात्र बना हूं? क्या ऐसा परमात्मा प्रेम अंदर भरा है? रुक रुक के धीरे धीरे चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, एकांत में अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन समाना है। जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ लेना, जल्दी जल्दी में सुन नहीं लेना, धीरे धीरे। तो सबसे पहला कौन सा अनुभव करना है? ज्ञान के एक एक पॉइंट का, ज्ञान के एक एक लाइन का, एक एक वाक्य का, एक एक महावाक्य का। केवल परमात्मा के ही वाक्य है जिन्हें महावाक्य कहा जाता है, किसी देहधारी के वाक्य को महावाक्य नहीं कहा जाता। ऐसा ये दिव्य ज्ञान है। तो ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभव, एक लाइन पढ़ना और रुक जाना। जगह जगह पर स्लोगन लिखे हुए हैं, एक स्लोगन पढ़ना और उसके ऊपर चिंतन करते हुए आगे बढ़ना, तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। नहीं तो सारे दिन भर हजारों बातें आती है जो स्थिति को गिरा देती है, व्यक्ति आते हैं, परिस्थितियां आती है जो नीचे गिरा देती है। तो सुरक्षा का कवच, ज्ञान तलवार है, योग कवच है, ड्रामा ढाल है। इन तीन से तुम माया से युद्ध करो, किसी मुरली में बाबा ने कहा है। ज्ञान तलवार, योग
कवच और ड्रामा ढाल. इमरजेंसी में क्या काम आती है? ढाल. सोए है और अचानक शत्रु आक्रमण कर दे तो क्या करना पड़ेगा? तलवार तो कहां और कवच वो भी ठीक, परंतु इमरजेंसी में क्या काम आता है? ढाल. तो ढाल चाहिए. अचानक कोई अपमान कर दे, अचानक कोई धोखा दे दे, अचानक कोई आरोप लगा दे, अचानक लांछन लगा दे तो क्या करोगे? ढाल चाहिए. माया सबको आती है. गृहस्थ में रहने वाले कहते हैं हमें माया ज्यादा है, पर कुमार कुमारी भी माया से छूटे हुए नहीं है, उनसे भी ज्यादा है. कब लांछन लग जाए, सहन करना पड़े, पता नहीं. इसके लिए क्या चाहिए? ढाल. पहला अनुभव ज्ञान के पॉइंट्स का. तो रोज की मुरली में जो वाक्य आते हैं, एक वाक्य ऐसा ले लेना और उस पर ऐसा गहरा चिंतन करना. और चिंतन करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुत समय मिल जाए, चलते फिरते उठते बैठते सारे सेवाएं करते हुए चिंतन, दिन भर चिंतन करो. बाबा ने कहा है, किसी एक मुरली में बाबा ने कहा था बाप के कमरे में बैठकर ज्ञान का चिंतन करो, बाप से रूढ़ियान भी करो और बाबा से उसके ज्ञान का चिंतन भी करो. तो ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभव पहले खुद करना और फिर औरों को कराना. दूसरा गुण, एक एक गुण का अनुभवी मूर्त. वो बोर्ड लिस्ट लगी हुई है दिव्य गुणों की, चलते फिरते एक दिव्य गुण देख लेना और उसके विषय में सोचना. तीसरा शक्ति, किसी एक शक्ति को ले लेना, जैसे पवित्रता की शक्ति. क्या मेरे अंदर ब्रह्मचर्य पवित्रता की शक्ति बनी है? क्या मेरे अंदर पवित्रता शक्ति के रूप में अनुभव होती है? पावर. चौथा आत्मिक स्थिति का अनुभव. क्या करना है? आत्मिक स्थिति का अनुभव. स्लोगन क्या था आज? साक्षी होकर आत्माओं के पार्ट को देखना. कैसा विचित्र ड्रामा है, वंडरफुल. कैसा पार्ट है आत्माओं का, भिन्न भिन्न. कैसा खेल चल रहा है सृष्टि मंच पर. किसी मुरली में बाबा ने कहा था जब अच्छी सीन आती है तुम वाह वाह करते हो, जब बुरी सीन आती है तो वाह वाह क्यों नहीं करते? क्योंकि साक्षी स्थिति खो जाती है, साक्षी की सीट से उतर जाते हो. सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखना, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, सबको आत्माएं देखना. ये सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है. किसका कैसा पार्ट, किसका कैसा, किसका पार्ट कब खुलेगा वो भी पता नहीं. तो साक्षी स्थिति का अनुभव, स्वयं करना और दूसरों को भी कराना. जब कोर्स करते हैं तो सूचनाएं देने का लक्ष्य कम रखना है, अनुभव कराने का लक्ष्य ज्यादा रखना है. जो कहानी शुरुआत में बताई थी वो कोर्स कराने वाले सुना सकते हैं, काम आएगी, क्योंकि वो आत्मा के परिचय की कहानी है. तो आत्माओं को क्या करना है? अनुभव कराना है. आत्मा का पाठ चालू है, थोड़ा सा आत्मा के विषय में बताओ और अनुभव ज्यादा कराओ. शरीर से आत्मा डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, अनुभूति हो जाए, सन्नाटा छा जाए, शरीर से अलग होने का अभ्यास, यही वास्तविक अभ्यास है. बाकी सब विस्तार है. उस मुरली में भी बाबा ने कहा एक सेकंड में हलचल में अचल, एक सेकंड में अभ्यास करो,
समान में स्थित होने का, शरीर से अलग हो जाने का, जैसे कोई डेड बॉडी है, आत्मा चली गई, सन्नाटा छा गया, ऐसा अनुभव, विशेष रूप से अमृत वेला, जैसे शरीर है ही नहीं, इतना देह से डिटैच, शरीर की सारी हलचल समाप्त, जैसे दृष्टि भी स्थिर हो जाए, तो ये चौथा अनुभव। पांचवा परमात्मा प्रेम का अनुभव। हम दूसरी आत्माओं को ईश्वरीय प्रेम का अनुभव उतना ही करा सकते हैं जितना उस परमात्मा प्रेम को हमने अपने अंदर भरा है। यदि हमने अपने अंदर परमात्मा प्रेम को पूरा नहीं भरा है, उस प्रेम के साथ संसार का प्रेम भी समाया हुआ है, उस प्रेम के साथ संसार के व्यक्ति भी समाये हुए है, तो ईश्वरीय प्रेम का अनुभव आत्माओं को कैसे करा सकेंगे। व्यक्तियों का प्रेम, वस्तुओं का प्रेम, वैभवों का प्रेम, संसार के साधनों का प्रेम, जब हृदय इन सब से रिक्त हो जाए और वहां पे ईश्वरीय प्रेम समा जाए, निस्वार्थ सच्चा दिल का, तब दूसरों को अनुभव कराया जा सकेगा। बाबा के महावाक्य बार बार याद आते हैं, बाप को इतना प्यार से याद करो, इतना प्यार से याद करो कि आंखों से मोती आंसू झरझर गिरने लगे। कितनी बार रोना चाहिए दिन में बाबा के लिए? कम से कम एक बार लगन में मगन, प्यार में मगन, प्यार में खो जाना कि आंसू बहने लगे। ऐसे जो आंसू है वो मोती बनेंगे। वो कहां रखेगा इन मोतियों को? उसके दिल में छोटी सी डिब्बी है, उस डिब्बी में संजो के रखेगा और तुमको बाद में बताएगा ये तुम्हारे है। पहचान लो, अब जो आंसू बहा रहे हो संसार के लोगों के लिए, ये झूठे हैं, ये है तुम्हारे वास्तविक सच्चे आंसू। तो परमात्मा प्रेम का अनुभव करना है। रूह रूहान अर्थात रूह की, रूह से रूहान अर्थात शब्द नहीं, अर्थात बोल नहीं, अर्थात आवाज नहीं, अर्थात चुप्पी, मौन, मौन वार्तालाप। आई शैल स्पीक टू दी इन साइलेंस। मौन में बात करना, मौन में समाना, उसके साथ एक रूप। तो ये पांच अनुभव करने हैं और रोज करने हैं ये पांच काम। मुरली का पॉइंट लेना, अनुभव करना, गुण लेना, अनुभव करना, शक्ति लेना, अनुभव करना, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, मधुबन के आंगन में वहां बैठना और ये सोचना ये आत्माएं हैं, कितनी महान आत्माएं, कितना महान तीर्थ। पोलैंड और वो जो ग्रुप आया उनसे बाबा ने कहा, कितने भाग्यशाली हो किस भूमि पर आकर पहुंचे हो। ये महान आत्माओं का समागम है, ईश्वरीय परिवार है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की मंजूषा ये परिवार है। आत्मिक स्वरूप का अभ्यास और पांचवा परमात्मा प्रेम का अनुभव। उसने क्या क्या दिया है उसका चिंतन, अपने भाग्य का चिंतन, प्राप्तियों का चिंतन, ये तीन काम। तो पांच चीजों का अनुभव करना है और पांच चीजें आत्माओं को देनी है। कौन कौन सी? मन से क्या कहा? शक्तियां। वाचा से ज्ञान, कर्म से गुण, संबंध संपर्क से खुशी, और पांचवी चीज जो सबसे नई है, बुद्धि से समय। ये क्या चीज है? दादियां कितने सालों से मुरली सुना रही है,
कितनी सारी बार मुरलियां रिपीट हुई है, फिर भी हम दादियों के मुख से एक बात सुनते हैं कि बाबा ने ये कैसी नई बात आज कह दी। कौन कह रहा है ये? दादियां। मुरलियों के बीच में कई बार आता है, उनके लिए भी नहीं लगती है उनको वो बातें। तो बुद्धि से क्या करना है? समय का दान, अर्थात दिव्य बुद्धि से समय देना। दिव्य बुद्धि से किसी की मुश्किल, किसी की हलचल को समाप्त करना, किसी मन को शांत कर देना। अशांत जो मन है, बेचैन जो मन है, दुखी जो मन है, समस्या युक्त जो मन है, उसको समाधान स्वरूप कर देना अपनी दिव्य बुद्धि से, उसे समय देकर। तो पांचों में से सबसे बड़ा दान कौन सा है? बुद्धि वाला। और ज्ञान से, मुख से ज्ञान देना कम दान है, वो उसमें समाया हुआ है। और मन से शक्तियां देना, वो भी समय देने में समाया हुआ है। और कर्म से गुणों का दान भी उसमें समाया हुआ है। तो दिव्य बुद्धि बनानी है अपनी बुद्धि को। क्या करना है? दिव्य बुद्धि बना देनी है। एक अभ्यास और है जो सुबह भी बताया था, उठते ही ऐसा अनुभव करे जैसे एक अदृश्य हाथ आसमान से आ रहा है। और कहां रख दिया है? दिव्य बुद्धि भव। क्या कहा उस हाथ ने? दिव्य बुद्धि भव। रोज की मुरली से योग के अभ्यास निकालने हैं। एक ही तरह का योग नहीं करते जाना। बाबा कहते हैं नवीनता करो, नवीनता करो। योग में नवीनता, योग के प्रयोग में नवीनता, रचनात्मकता, योग में सेवा में नवीनता, ज्ञान में नवीनता, चिंतन में नवीनता, मनन में नवीनता। और एक जो चीज हरेक को करनी है सारे दिन में, ज्ञान के विषय में, ज्ञान की चर्चा अपने साथियों के साथ। जब समय मिले तो संगठन में दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग बैठे और चर्चा चालू कि आज बाबा ने क्या कहा। यह चर्चा बहुत जरूरी है और हर दिन की मुरली पर चर्चा होनी चाहिए, हर दिन की। केवल सुनना और लिखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें बिना चर्चा के, बिना डिस्कशन के, बिना उसकी गहराई में जाए क्लियर ही नहीं होती है। क्योंकि ईश्वरीय महावाक्य इतने सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आते। तो पांच चीजों का दान, पांच चीजों का अनुभव, तीन चीजें समान। और आज आगे क्या कहा फिर बाबा ने? पोलैंड वालों से मुलाकात और बाकी जो नए बच्चे हैं उनसे मुलाकात की। क्या क्या कहा उनको? सबसे पहले तो स्थान का महत्व बताया। तो स्वयं को निरंतर याद दिलाते रहना, मैं यहां कहां आया हूं। ये जो स्थान है तपस्या कुंड है, ब्रह्मा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि है। यहां पर वो वाइब्रेशन से वो आवाज भी सुनाई दे सकती है यदि कर्ण इतने सूक्ष्म हो जाए तो। क्योंकि सृष्टि में, प्रकृति में वो प्रिंट अभी भी है, वॉइस प्रिंट्स। कोई अपने आप को इतना स्थिर कर दे, सूक्ष्म कर दे, तो वो आवाजें सुनाई भी देगी, भगवान क्या कहता है। तो इस भूमि के महत्व को जानना, तीर्थ के महत्व को जाना, पुण्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नात पाव तुम धारा। भक्ति में कहावत है कण कण में भगवान, वो यहां का गायन है। तो एक बात तो ये, दूसरा याद के अभ्यास को क्या करो? बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? थोड़ा थोड़ा करके। और कैसे बढ़ाएंगे याद के अभ्यास को? योग के चार्ट को बढ़ाना है। ज्ञान कितना भी हो और चिंतन कितना भी हो, परंतु जब तक बीज रूप स्थिति नहीं और जब तक शक्तिशाली योग नहीं, वो विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसके लिए योग को चार्ट। किसी एक मम्मा की मुरली में मम्मा ने कहा है, तुम इतना
पुरुषार्थ करते हो, इतना अमृत वेला उठते हो, इतनी मुरली सुनते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, सारे दिन भर कर्म योग करते हो, बीच बीच में अटेंशन रखते हो, फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है कि कोई एक छोटी सी बात से डिस्टर्ब हो जाते हो? और इतनी सारी जो तुमने पुरुषार्थ किया, एक छोटी सी बात तुमको डिस्टर्ब कर देती है। ड्रामा के पार्ट को पक्का करो, कूट कूट के भरना है कि जो हो रहा है कल्याणकारी है, कोई भी चीज डिस्टर्ब ना करे। तो याद के चार्ट को बढ़ाना है, ये भूल नहीं जाना है कि सेवा द फोर्थ सब्जेक्ट है, द फोर्थ को दो फर्स्ट नहीं बना देना, क्योंकि लोग ज्ञान योग और धारणा छोड़कर सेवा में उतरते हैं और सेवा में खो जाते हैं। और जो दो बातें बाबा ने कही, साधारणता और अलबेलापन, कौन सा अलबेलापन आ जाता है? अलबेलापन के उदाहरण तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के जीवन में अलबेलापन के उदाहरण मान शान और अलबेलापन। अभी समय बहुत पड़ा है, हमने तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, हम तो बहुत पुराने हैं, तुम अभी अभी आए हो, करेंगे देखेंगे, हमारी तो बहुत साधना पहले से हुई है, ये तो हमने सूक्ष्म धारणा है, तुम नहीं समझोगे, ये स्थूल धारणा है, हमारी धारणा है बड़ी सूक्ष्म है, तुम अभी छोटे हो, ये सब अलबेलापन है। हमारी पहचान बहुत है, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, ये सब अलबेलापन है। क्या वही वही तो मुरली होती है, वही वही तो चीजें उसमें, वही वही तो बाबा 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 रिपीट करते रहता है, ये अलबेलापन है, ये साधारणता है, और क्या? तो इस साधारणता और अलबेलेपन में खो गई है। इसके लिए बाबा ने कहा याद के चार्ट को बढ़ाओ। क्या करेंगे याद के चार्ट को बढ़ाने के लिए? थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, और क्या करना है? योग का चार्ट एकदम पावरफुल हो जाए, क्या करें उसके लिए? समान का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, अंतर्मुखता का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, बीच बीच में मौन का अभ्यास, चिंतन को बढ़ाना है, और डिटैच होने का अभ्यास, रूहानी ड्रिल का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, अशरीरीपन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, सन्नाटा छा जाए जैसे, ऐसा अशरीरीपन, शरीर है ही नहीं। जब भी कोई दादी या महारथी, उस दिन भी कह रहे थे, शरीर छोड़ते हो और हिस्ट्री हॉल में वह मृत देह रखा जाता है, वहां कैसा सन्नाटा छा जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। उस अशरीरीपन का अभ्यास, जैसे देह विलीन हो गई और केवल चमकती हुई मणि आत्मा उड़ रही है ऊपर, यह अभ्यास। और योग का चार्ट बढ़ाने के लिए प्यार को बढ़ाना है, खत लिखने बाबा को, लेटर लिखना, अपना समाचार सुनाना, पर बाप का पेट उस दिन क्या था खुश खैराफत और सेवा समाचार से खाली पेट नहीं भरता है। किससे पेट भरता है? फिर सर्विस से पेट भरता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, लहरें इतनी उसकी चलती है, कभी मुरली सेवा पर है तो कभी ज्ञान पर तो कभी योग पर, लहरी बाबा लहराते रहता है। तो योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अमृत वेला पावरफुल करना है, अमृत वेले का टाइम बढ़ाना है, अमृत वेले की क्वालिटी बढ़ानी है, अमृत वेला नींद क्यों आती है उस पर रिसर्च करना है, पावरफुल बीज रूप स्थिति क्यों नहीं होती उसके लिए क्या अभ्यास करे उस पर चिंतन मनन करना है। नुमा श्याम का जैसे शक्तिशाली अमृत वेला है, वैसे नुमा श्याम का योग भी शक्तिशाली, और जैसे नुमा श्याम का योग शक्तिशाली है, रात को सोने की विधि भी वैसी ही शक्तिशाली, और सारे दिन भर समान का अभ्यास, और सारे दिन भर
अशरीरीपन का अभ्यास और सारे दिन भर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, क्योंकि जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो करंट देते हो उसको। यदि हमारी वजह से कोई देहबान में आता है तो ये भी सूक्ष्म विकर्म है। इसके लिए हमें आत्मिक दृष्टि, सेवा से भी ज्यादा हिसाब किताब चुक तो करने का महत्व है। तुम सेवा तो करनी है, परंतु उस सेवा में एक दूसरा काम हो रहा है, कौन सा? हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, क्योंकि सेवाओं में बहुत सारी आत्माओं के संबंध संपर्क में आ रहे, बड़े साथी, छोटे, बाहर वाले, अंदर वाले, और इन सब के साथ हमारे जबरदस्त हिसाब किताब है। एक एक से ऐसे हिसाब किताब है, पता नहीं क्या क्या पाप करके रखे हैं हमने किस किस को कैसे कैसे दुख देकर रखे हैं, जो कोर्स करने आ रहे उनसे भी हिसाब किताब है। हम तो हमेशा अपने भी ऐसा सोचते हैं कि एक डॉक्टर के पेशेंट्स के साथ कितने हिसाब किताब है, एक एक दिन 70-70, 80-80 नई आत्माओं के साथ हिसाब किताब चालू ही रहते हैं तो हर ब्राह्मण आत्मा के भी पहले तो सबसे घने कड़े इस परिवार में है, और फिर बाहर वालों के साथ है, एक एक के साथ हिसाब किताब है, और वो इतनी परते हैं उसकी 100-100 परते हैं। तो सेवा तो निमित्त है, मेन काम तो करना है क्या, ये वाला हिसाब किताब चुक तू करने का। इसलिए कर्म क्षेत्र में आत्मिक दृष्टि, उसके मन में जो घृणा है और नफरत है और हमने जो उसको दुख दिया, थोड़ी तो कम होगी दृष्टि से, क्योंकि हमने तड़पा तड़पा कर उसको मारा है पिछले जन्मों में तो ये एक काम, योग को बढ़ाना, चार्ट को बढ़ाना, इस अभ्यास को बढ़ाना। राजयोग से सुख शांति मिलती है, ये सिखाओ, ये समझाओ, बाबा ने कहा। और फिर सेवाधारियों से बात की, दो बातें, सेवा में सभी नंबर वन है, सभी को फर्स्ट प्राइज, परंतु क्या करना, संतुष्ट रहना करना, डिस्टर्ब ना होना और डिस्टर्ब ना करना। ऐसी सेवा जो डिस्टर्ब कर दे, स्थिति गिर जाए, बाबा ने कहा छोड़ दो, स्थिति का महत्व सेवा से ज्यादा है। और फिर कहा रूहे गुलाब, अर्थात जो न्यारे और प्यारे रहे, जो प्रभावित ना हो, डबल लॉक लगा दो, माया आ ही ना सके अंदर, तो उसका भी अभ्यास करना है। तो सेवाधारियों में कहा मैं रूहे गुलाब हूं, सेवाधारियों को कहा कि मैं फर्स्ट प्राइज लेने वाली आत्मा हूं, और फिर शांति की बातें कही, स्वयं शांत स्वरूप, पांच अनुभव, पांच दान, स्नेह का महत्व, स्नेह का विमान, स्नेह का चुंबन, स्नेह की लहरें, स्नेह की रेखाएं तुम्हारे चेहरे पर, स्नेह के पात्र, स्नेह का क्या महत्व है, ये सारे चिंतन के विषय, ब्राह्मण कल्चर, वन वन की काठी, एक चंदन का वृक्ष, सब पर चिंतन करना है, सब पर मनन करना है, योग के चार्ट को बढ़ाना है। ऐसे बाप से मिलन बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के रंग में बाप समान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे सपूत सिकिलदे बच्चों को, ऐसे अपने समय के प्रमाण प्राप्ति के महत्व को जानने वाली आत्माओं को, ऐसे निरंतर बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहे गुलाब आत्माओं को, ऐसे सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे फर्स्ट प्राइज लेने वाली आत्माओं को, ऐसे परमात्मा प्राप्त प्रेम के पात्र आत्माओं को, और बहुत सारी डैश 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 आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।